हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का 3 लेक्चर कंटिन्यू किए थे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग 4th नंबर लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। पाइथन में हम लोग पढ़ रहे थे किस तरीके का ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कितने तरह का ऑपरेटर होता है, जिसमें हम लोग कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर, कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को देखेंगे और उसका लैब करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशंस की ओर, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेटर कौन कौन सा हम लोग देख रहे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है पाइथन में, ठीक है। वन बाय वन करके सारे का डिस्क्रिप्शन देखेंगे और सबका किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग देखे हुए थे कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोग देखे हुए थे। यहाँ पे एडिशन देखे हुए थे, सब एडिशन में क्या किए थे हम लोग, जैसे एक्स प्लस वाई, ये एडिशन का ऑपरेटर हो गया। सबट्रैक्शन हम लोग देख लिए थे, लैब इसका कर चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे रिमाइंडर निकाला जाता है और इससे डिवीजन निकाला जाता है। फिर से हमारा आता है यहाँ पे, इसको एक्सपोनेंटेशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग पावर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, y का वैल्यू 2, तो 5 टू दी पावर 4 2 हो जाएगा, यानी 25 रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे डबल स्लैश यानी डबल डिवीजन का जब साइन देंगे, उसको हम लोग फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो उसका सिर्फ इंटीजर रिजल्ट निकालता है, ठीक है गाइस। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं अपना लैब करके। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अभी क्या क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब किसी भी वैल्यू को असाइन कर दें किसी वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिखा गया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 है। यहाँ लिखा गया है फिर प्लस इक्वल टू, यानी x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 3। आप जैसे इसको इस तरीके से लैब करेंगे सारे चीज़ों का, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सारा जितना भी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर था, सारा का यूज इस तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से करके इन सारे ऑपरेटर्स का हम लोग यूज, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से कुछ यूज करेंगे। जैसे देखिए, सिंपल सा हमारा है क्या, यहाँ पे ये हमारा सेल ओपन है, यहाँ पे पाइथन वाला। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू कुछ असाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया। प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाता है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि एक्स प्लस इक्वल टू, अगर मान लीजिए 6 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 हो जाता है। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो पहले से 5 था और 6 मिल के ये कितना हो जाएगा, 11 हो गया, ठीक है। उसी तरह एक्स माइनस इक्वल टू अगर 3 लिख देंगे, तो अभी x का वैल्यू 11 हो गया है, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो 11 में से 3 माइनस जब हो जाएगा क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। इसी तरीके से करके सारे ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x अगर यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि क्या किया यहाँ पे, x इज इक्वल टू x, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू x डिवाइड हमारा 2 लिखे थे, तो ये वाला इसका मतलब हो गया। फिर से करेंगे 2, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर, जिसके बारे में हम लोग देख चुके थे। जैसे इक्वल इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू y, तो ये क्या करेगा, या तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं करके इस तरीके से। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 5 ले लिए, y का वैल्यू मान लीजिए 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल इक्वल टू y। अगर x का वैल्यू इक्वल इक्वल टू y हम लोग ले लेंगे, तो क्या करेगा ये ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 5 है और y का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। अगर x इज ग्रेटर देन y लिख लेते हैं, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन y है यहाँ पे, नहीं है तो भी फॉल्स होगा। अगर y इज ग्रेटर देन x लिख लेते हैं, तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। या y इज लेस देन, अगर लेस देन इक्वल टू हम लोग 5 करते हैं, इसका मतलब क्या, y का वैल्यू या तो 5 से कम हो जाए या तो इक्वल टू 5 हो जाए, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो y का वैल्यू तो यहाँ पे 8 है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू 5 दिया गया है, तो अगर लिखें x का वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो देखिए ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जितना भी ये कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ये कंपेयर कराने में हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा ये सारे ऑपरेटर्स का यूज किया जा सकता है। और
भी हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं जिसे लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं गेट, लॉजिक गेट, जिसमें लॉजिकल एंड होता है और होता है नॉट होता है। जब एंड ऑपरेटर का जब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 10, दोनों अगर कंडीशन अगर ट्रू होता है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। जैसे एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स का इज इक्वल टू मान लीजिए हम लोग 4 रख दिए और वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग वाई इज इक्वल टू हम लोग 8 रख लिए। अगर यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एक्स का वैल्यू लेस देन 5 है, देखिए यहाँ पे ये सही है, एंड अब ऑपरेटर लगा देंगे, और वाई का वैल्यू क्या है लेस देन मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, तो दोनों कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये ट्रू करेगा। अदरवाइज अगर एक्स इज लेस देन 5 कर देते हैं और एंड लगा देते हैं वाई इज लेस देन, मान लीजिए हम लोग लेस देन वाई इज लेस देन 6, जबकि वाई का वैल्यू यहाँ पे हमारा 8 है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से करके इन सब या और वाले में क्या होगा, इसमें से कोई भी एक वैल्यू सही अगर हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन, अगर एक्स का वैल्यू लेस देन यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू हम लोग 4 सेट किए हुए हैं, तो लेस देन अगर 5 हो गया ये ट्रू है, और लगा देंगे अगर वाई का वैल्यू, देखिए यहाँ पे और लगाने के बाद क्या करेंगे, वाई का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे लेस देन, वाई का वैल्यू अभी 8 है, वाई का वैल्यू अगर लेस देन 6 कर देंगे तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई का वैल्यू फॉल्स है लेकिन एक्स का वैल्यू ट्रू है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, और इसमें से अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फाइनली ये उसका रिवर्स करेगा, यानी रिटर्न करेगा क्या, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, जो नॉट गेट होता है। ठीक है गाइस, इसके आगे आता है हमारा इज और इज नॉट ऑपरेटर। अगर एक्स इज वाई कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वैल्यू हमारा इक्वल हो गया, इस तरीके से ये ट्रू रिटर्न करता है। क्या करेगा ये, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अगर 6 कर देते हैं, y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लोग कुछ लिख देते हैं, दूसरा चीज यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ले लेते हैं और x इज y लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहीं पे अगर x का वैल्यू अभी चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू चेंज कर दिया और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे x इज y, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर देखिए x इज इक्वल टू 7 कर दिए, y इज इक्वल टू यहाँ पे भी 7 कर दिए और कह रहे हैं x इज y, ठीक है, x इज y, तो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, x इज y करना है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये सिमिलर सेम हो गया, इज नॉट लगा देंगे वही चीज़ होता है, तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 8 कर देते हैं, y इज इक्वल टू 90 कर देते हैं, सिंटेक्स एरर को y इज इक्वल टू कुछ और सेट कर देते हैं 5 कर देते हैं और कहते हैं x इज नॉट वाई, देखिए ये ट्रू करेगा क्यों, क्योंकि दोनों एक नहीं है इसलिए ट्रू कर दे रहा है ये रिटर्न। इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स इन वाई, मतलब एक्स का वैल्यू प्रजेंट है वाई में या इज नॉट प्रजेंट इन वाई, तो इसका भी यूज किया जा सकता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए ये रिटर्न करता है क्या चीज़, रिटर्न ये सेट करेगा वैल्यू को, एंड अगर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंड का सिंबल होता है, ठीक है, ऑपरेटर है सिंबल एंड, सेट्स ईच बिट्स टू 1 इफ द बोथ बिट्स आर 1। मतलब अगर सिंपल सा एंड गेट में क्या होता है, दोनों अगर 1 होता है तो ये 1 सेट करेगा, अदरवाइज ये 0 सेट कर देता है। और में क्या होता है, कोई भी इफ वन ऑफ द टू बिट्स इज 1, मतलब कोई भी अगर दो बिट है हमारा, दो बिट में से कोई भी एक 1 हो जाए, चाहे दूसरा हमारा 0 भी रहेगा, तो ये 1 सेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट कर देता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस बार थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, एंड के लिए हम लोग दोनों क्या चाहिए, जैसे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू, और ये बाइनरी पे काम करेगा, तो एक्स का वैल्यू 1 लेंगे और वाई का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं और अगर यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एंड सिंबल वाई, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 0 रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू अगर 1 नहीं रहा, यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 रहेगा तभी ये रिटर्न करेगा। अभी से यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग चेंज करके 1 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं x एंड y कर देते हैं, x एंड y यानी लॉजिक गेट यहाँ पे लग गया, दोनों का वैल्यू 1 है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और ये सारे ऑपरेटर को आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डेटा टाइप्स वगैरह देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है पाइथन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। Thank you for watching.